ठीक है, देखते हैं जल्दी जल्दी। बोलता है, सुनो इधर देखो, बोल रहा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस टू, और आपको फाइंड आउट करना है एफ ऑफ एफ ऑफ एफ ऑफ वन, ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो सबसे अंदर है हम उसकी वैल्यू निकालेंगे, तो हम सबसे पहले निकालेंगे एफ ऑफ क्या, वन। अब एफ ऑफ वन निकालने के लिए हम इस एक्स की जगह पे वन डालेंगे, तो ये हो जाएगा वन का स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल टू कितना, थ्री। अब एफ ऑफ वन की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, थ्री लिख देंगे, यानी हमको फाइंड आउट करना है एफ ऑफ इसकी जगह पे क्या लिखना है, थ्री लिखना है, बाकी सब तो वैसे ही रहेगा। अब हम निकालेंगे किसकी वैल्यू, एफ ऑफ थ्री की वैल्यू निकालेंगे। अरे यार, तो एफ ऑफ थ्री बताओ कितना है, तो क्या किया जाए, एफ ऑफ थ्री निकालने के लिए इस एक्स की जगह पे थ्री रखा जाए, तो थ्री का स्क्वायर प्लस टू, और ये नाइन प्लस टू कितना, एलेवन हो जाएगा। यानी एफ ऑफ थ्री की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं एलेवन, तो इस पूरे की जगह एलेवन लिखोगे, इसका मतलब तुमको फाइनली निकालना है एफ ऑफ क्या, एलेवन। एफ ऑफ एलेवन ना निकालना है, यानी इस एक्स की जगह पे एलेवन है, तो तुमको इस एक्स की जगह पे भी एलेवन लिखना होगा, तो ये हो जाएगा एलेवन का स्क्वायर प्लस कितना, टू बोलो, और ये 121 प्लस दो कितना होता है, 123। ये आप लोगों से हो गया था ना, हो गया, कितने लोगों से हो गया था, ये जिसने भी ट्राई किया होगा, हुआ होगा उसे। ये बोल रहा है कि x बिलोंग्स टू ऐसे फ्रॉम 4 to 6 ऐसा करके कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब समझ में आता है, क्या मतलब होता है इसका, मतलब होता है, सुनिए, अगर कहीं लिखा रहे x बिलोंग्स टू, एक मिनट, अगर ऐसे लिखा रहे 4, 6, इसका मतलब हुआ कि x जो होगा ना वो 6 और 4 के बीच में तो होगा ही, 6 और 4 भी हो सकता है, मतलब x की वैल्यू 4 भी हो सकती है, 4.1 भी हो सकती है, 4.5 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 5.5 भी हो सकती है, 5.9 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, बोलिए, मतलब 4 से लेके 6 तक जितने भी नंबर्स आते हैं सब हो सकते हैं। लेकिन इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि 4 से बड़ा होगा, 6 से छोटा होगा, लेकिन 4 और 6 नहीं होगा, क्लियर है, यानी x छोटा होगा 6 से बड़ा होगा 4 से, 4 और 6 नहीं होगा, इसको बोला जाता है 4 और 6 के बीच में, ठीक है। अगर ये कहीं लिखा हुआ है 4, 6, इसका क्या मतलब हुआ, x या तो 4 होगा ना तो 6 होगा, सही है। तो जहां ये बड़ा वाला ब्रैकेट हो जाए ना, बड़ा वाला ब्रैकेट, इसका मतलब हुआ कि आपको उस चीज से इक्वेट भी कराना है, लेकिन अगर छोटा वाला ब्रैकेट रहे का मतलब हुआ कि x उस चीज के इक्वल नहीं होगा। यहां पर देखिए कमाल की बात यह है कि एक साइड में बड़ा वाला ब्रैकेट है, एक साइड में छोटा वाला ब्रैकेट है, का मतलब हुआ हम 4 को तो कंसीडर करेंगे लेकिन 6 को कंसीडर, 4 या 4 से बड़ा हो सकता है लेकिन 6 से छोटा ही होगा, 6 के बराबर नहीं होगा। तो बताओ क्या x 4 हो सकता है, क्या 5 हो सकता है, क्या 6 हो सकता है, नहीं, क्या 9 हो सकता है, इसका ऑप्शन कौन कौन सा सही है, ए और बी, चलिए ठीक है। इसमें बताइए साइन पाई माइनस थेटा यहां से लेकर वहां तक कितने लोगों के बराबर हो सकता है, तो एक्चुअली करेंगे क्या, हाँ इसकी वैल्यू निकालिए। पाई का मतलब क्या होता है, पाई का मतलब होता है, बोलो, पाई का मतलब 360 डिग्री होता है, पाई का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है, तो कहने का मतलब है कि कुछ नहीं है, लिखा हुआ है साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है। अब क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट है, इतना समझ में आ रहा है ना, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, और वापस है ये 3। तो 180 में से कुछ घटाओगे तो इधर ना रहोगे, जैसे 170 डिग्री 160 डिग्री जो है वो 90 और 180 के बीच में ही ना कहीं आएगा, तो मिला जुला के सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव। और बताइए 180 पे चेंज होगा कि नहीं होगा, नहीं चेंज होता है, इस पे चेंज होता है, इस पे का मतलब हुआ 90 डिग्री पे और 270 पे चेंज होता है, इस पे चेंज नहीं होता है, ये सब पढ़ा है ना खूब डिटेल में हम लोगों ने, तो साइन साइन ही रहेगा, इसका सही आंसर क्या होगा, ए साइन थीटा ही रहेगा, ठीक है। साइन 4 पाई बाई
3 की वैल्यू कितनी होगी। तो पहले तो ये पता करो 4 पाई बाई 3 होता है कितना है। तो पाई का मतलब 180 याद रखो, ऐसे याद रखो, पाई का मतलब कितना, तो 4 × 180 डिवाइडेड बाई 3, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, डिग्री में। तो बताइए इससे कटेगा 60 बार में जाएगा और ये 240 डिग्री हो गया। यानी एक्चुअली में आपसे ये साइन 4π/3 जो है साइन 240 डिग्री की वैल्यू पूछ रहा है। 240 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो 240 डिग्री जो है वो 180 और 270 के बीच में ना कहीं आएगा। तो या तो आप उसको 180 में तोड़िए, ना तो उसको आप 270 में तोड़िए। आप बताइए 240 को आप किस में तोड़ना चाहते हैं, क्या आप 180 में तोड़ना चाहते हैं? तो दिस विल बिकम साइन 180+60। बताइए क्वाड्रेंट थर्ड है, कन्फर्म है साइन नेगेटिव होता है। साइन जो होता है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अब फर्स्ट में तो खैर सब पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, टेन या फिर कॉट। लेकिन ये तो साइन है, बेचारा नेगेटिव रहेगा, 180 पे चेंज नहीं होता है, तो साइन साइन ही रह जाएगा। 60 डिग्री है तो 60 डिग्री लिख देंगे, माइनस रूट थ्री बाई टू आंसर। साइन 60 डिग्री रूट थ्री बाई टू याद है ना, माइनस तो खैर पहले ही आ गया था। आंसर विल भी कितना, -√3/2 सही है। चलिए ठीक है, कॉट पाई बाई थ्री, पाई का मतलब ही होता है 180 डिग्री, तो ये कुछ और नहीं है, लिखा हुआ है कॉट कितना, 60 डिग्री। अब कॉट 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री का उल्टा होता है, टेन 60 डिग्री होता है √3, टेन 60 डिग्री होता है कितना, तो कॉट 60 डिग्री होगा, उलट दो 1/√3, आंसर कौन सा ए रहेगा। कॉसेक 135 डिग्री, कॉसेक क्या, क्वाड्रेंट सेकंड ना है, कहने का मतलब है कि 135 90 और 180 के बीच में ही ना आता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट घिरा है 90 और 180 के बीच में। तो या तो आप इसको 180 में तोड़िए, नहीं तो 90 में तोड़िए। किस में तोड़ना चाहते हैं, 180 में। चलिए तो इसको हम 180 − 45 डिग्री ना लिखेंगे, क्योंकि क्वाड्रेंट सेकंड है और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक पॉजिटिव होता है। बाबू सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका उल्टा कौन, कॉसेक। सब लोग बोल रहे हैं ना, ये सबने ये कम से कम ट्रिगोनोमेट्री क्लियर करके रखा है ना इधर, कितने लोग अभी भी ट्रिगोनोमेट्री क्लियर नहीं है तुम्हारा, क्यों? तो ग्रुप ज्वाइन किया है, उसमें ऊपर जाके देखा था ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर है, तो कहीं नहीं देखा, देखता है क्या, देखता है खाली लेक्चर देख लेता है कि हाँ है, आगे अंदर भी जाता है देखता है। कॉस ये बताओ, क्वाड्रेंट सेकंड है तो कॉसेक कैसा होगा, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, प्लस में रहेगा, और 180 है तो चेंज नहीं होगा, 180 पे चेंज नहीं होगा, और कॉसेक कॉसेक ही रहेगा एंड 45 डिग्री तो रहेगा ही। बताइए कॉसेक 45 डिग्री का मतलब क्या हुआ, साइन 45 डिग्री का उल्टा, कॉसेक साइन का उल्टा होता है, साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, पलट दोगे तो आंसर आ जाएगा √2, द आंसर इज कितना, सी, सही है। चलिए सेक 53 डिग्री, देखिए मैंने कहा है मेरे फिजिक्स के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको एकदम याद होना ही चाहिए कि ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है, 3 के सामने वाला 37 एंड 4 के सामने वाला 53, छोटे वाले साइड के सामने वाला एंगल भी छोटा होना चाहिए, याद करने का ऐसा ट्रिक है। तो आप इस फोटो को देखिए और बताइए सेक 53 डिग्री कितना होगा, सेक 53 डिग्री कितना होगा, तो सेक होता है कॉस का उल्टा, कॉस होता है बेस बाई हाइपोटेनस, सेक हो जाएगा हाइपोटेनस बाई बेस। 53 डिग्री के लिए हाइपोटेनस तो किसी के लिए भी हाइपोटेनस तो 5 ही रहेगा, लेकिन बेस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। द आंसर इज 5/3, 5/3 इज द ऑप्शन नंबर ए। चलिए कॉस −240 डिग्री, सुनिए हम लोगों ने पढ़ा है कि साइन अगर −θ हो तो वो −sin θ होता है, लेकिन अगर कॉस −θ हो तो वो कॉस थीटा, याद है पढ़े हम लोग, ठीक है। और टेन −θ भी अगर होता है तो वो होता है −tan θ, सही है। तो आप बताइए कि सबसे पहले तो इस माइनस को ठिकाने लगाया जाए,
तो कॉस 240 सॉरी मतलब कॉस माइनस 240 डिग्री जो है वो कॉस 240 डिग्री ही ना रह जाएगा। क्वाड्रेंट कौन सा? खूब सोचेगा सब एकदम 180 और 270 के बीच में ना कहीं 240 आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट है। तो या तो आप इसको 180 में तोड़िए, नहीं तो 270 में तोड़िए। तो हमको लग रहा है 180 में तोड़ना ठीक रहता है, बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है। 270 में तोड़ दोगे तो फिर कॉस को बदलना पड़ेगा साइन में, है कि नहीं? और थोड़ा सा बदलाव से हम लोग ऐसे ही हरकते हैं, है ना? बोलो तो किस में तोड़ा जाए? 180 प्लस 60 कर दिया जाए, अरे जोड़ के फिर 240 आना भी चाहिए। चूंकि क्वाड्रेंट थर्ड है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस सीना तान के नेगेटिव होता है, और वो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में तो टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, जा ठीक है, तो माइनस आएगा। और 180 पे बदलते तो हम लोग नहीं है, तो कॉस ही रखेंगे। और 60 डिग्री, यू नो कॉस 60 डिग्री इज द सेम एज साइन 30 डिग्री, विच इज कितना? 1/2। द माइनस 1/2 इज द आंसर, सही है। चलिए नौवां कह रहा है माइनस साइन थीटा यहाँ से वहाँ तक कितने लोगों के बराबर होगा? तो हमारे पास एक ही तरीका है कि हम अब हर ऑप्शन को चेक करके देखें कौन कौन माइनस साइन थीटा आता है। चलिए ऑप्शन नंबर ये चेक करते हैं, कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा, यू नो पाई बाई टू का मतलब 90 डिग्री। अभी सब देखते पता चलेगा ना, क्या जरूरी है कि मैं यहाँ 90 डिग्री लिखूँ? क्या पाई बाई टू है तो नहीं समझ रहे हो 90 डिग्री है? चलो बताओ क्वाड्रेंट कौन सा? 90 में से 90 में कुछ जोड़ोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आओगे, आगे बढ़ जाओगे। दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट एंड इन सेकंड क्वाड्रेंट द कॉस इज, अरे सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? तो नेगेटिव बोलना है ना, तो माइनस लिखे। 90 डिग्री तो चेंज हो जाएगा, याद है 90 पर चेंज हो जाता है एंड द कॉस विल बी चेंज इन साइन। तो ये साइन में चेंज हो जाएगा और थीटा, अरे यार ये तो माइनस साइन, मतलब ये वाला ऑप्शन तो सही है। चलो बी भी चेक करते हैं, कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा, क्या बोलते हो? क्वाड्रेंट कौन सा? अब फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो सब पॉजिटिव होता, पहले ही छाड़ देंगे हम लोग। हमको आंसर किस में चाहिए? माइनस में चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं है। पाई बाई टू 90 डिग्री, 90 डिग्री पे चेंज हो जाएगा, कॉस चेंज होगा किस में? साइन में, थीटा है तो आप यहाँ पे थीटा लिखिए। सी नंबर ऑप्शन चेक करिए। अच्छा ये तो गजब हो गया, हम लोग अब तक पढ़ रहे थे जिसमें ये जो पाई है चाहे पाई बाई टू आगे आता था, इसमें पाई बाद में आ गया, थीटा माइनस 180 डिग्री लिखा हुआ है। हम लोग पढ़े हुए हैं बच्चों 180 माइनस थीटा ना, ये उल्टा आ गया, ये थीटा माइनस 180 आ गया। घबराने की जरूरत नहीं है, आप इसमें से माइनस साइन को कॉमन ले लीजिए। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, माइनस को कॉमन ले लीजिएगा, ये पाई माइनस थीटा नहीं बन जाएगा। आप समझे ही नहीं, अरे बोलिए ना, माइनस साइन को क्या कर लिया? फिर ये माइनस अंदर जाके इसको प्लस और इसको माइनस बन, ये सब आता है ना कि अगर हम माइनस बाहर निकाल दे तो पलट जाता है। ए माइनस बी में से अगर माइनस कॉमन लोग ले लोगे तो वो बी माइनस ए बन जाता है, ठीक है? बोलो इधर देखो, ठीक है? हाँ तो मैं कह रहा हूँ कि ये बताओ लिखा हुआ है साइन माइनस हाथी तो क्या होगा? साइन माइनस हाथी क्या होगा? माइनस साइन हाथी होगा। अरे भाई साइन माइनस थीटा क्या होता है? मैंने ये वाला माइनस बाहर आ जाता है ना, उसी तरीके से आप इस वाले माइनस को बाहर निकालिए, तो दिस विल बिकम माइनस साइन पाई माइनस क्या? थीटा। बस इसी को तो सॉल्व करना है। आप बताइए, माइनस तो खैर पहले से है, अरे माइनस पहले से है, इसको जब सॉल्व करोगे क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकेंड क्वाड्रेंट। पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, अब आदर डालिए, अरे पाई कितना है? 180 डिग्री में से कुछ घटाओगे तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचोगे? सेकेंड क्वाड्रेंट में। साइन कैसा होता है? पॉजिटिव, बहुत बढ़िया, प्लस में रहेगा। और पाई पर बदलता 180 डिग्री पर चेंज नहीं होता है, साइन ही रहेगा, थीटा मिला जुला के ये भी माइनस साइन थीटा आएगा जी। ओहो तो इसका मतलब हुआ कि ये वाला ऑप्शन भी सही है। वो आखिरी डी चेक किया जाए, बोल नहीं रहे हो तो कह रहा है कि साइन पाई प्लस कितना? थीटा। अब तुम बताओ ना, पाई का मतलब 180 डिग्री ना, 180 में कुछ जोड़ोगे तो कहाँ पहुँचोगे? थर्ड क्वाड्रेंट में,
थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? नेगेटिव होता है और पाई पर बदलता नहीं है। तो मैं, अरे यार ये भी सही है, तो इसका सही आंसर है ए सी एन डी, ए सी एन डी। क्लियर है? दोबारा पूछना होगा लेकिन पूछ लेना। हाँ ये कहता है टेन 105 डिग्री, बताइए कितना है टेन 105 डिग्री। तो सबसे पहले ये बताइए कि 105 को क्या हम लोग 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं? अब ये टेन ए प्लस बी है, फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। इज इट क्लियर? चलिए टेन 60 डिग्री कितना है? टेन 45 डिग्री, ये सब पता है ना। 1 माइनस टेन 60 डिग्री रूट थ्री और टेन 45 डिग्री मिला जुला के ये 1 प्लस रूट थ्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस। नीचे रूट रखना अच्छी बात नहीं है, डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखा जाता है, हम इसको रेशनलाइज करेंगे। तो इसको रेशनलाइज करने के लिए 1 प्लस रूट थ्री 1 माइनस रूट थ्री इन नीचे वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाता है। कॉन्जुगेट का मतलब हुआ कि बीच में माइनस है तो प्लस, प्लस होता तो इसे पता होगा। तो चलिए हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं 1 प्लस रूट थ्री, तब यहाँ भी आएगा 1 प्लस रूट थ्री, ऊपर में 1 प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर और नीचे में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इज इट क्लियर? चलिए तोड़ डालिए आप इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ये तुमको समझ में आया भी कि कैसे लिख दिया मैंने? रूट थ्री का स्क्वायर थ्री ना होता है। चलिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस कितना, तो रूट थ्री का स्क्वायर करोगे तो सिर्फ थ्री आएगा। अच्छा और थ्री प्लस वन कितना, 4 प्लस टू रूट थ्री डिवाइडेड बाई माइनस टू। एक काम ये करिए, इसमें से आप 2 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो 2 कॉमन निकल गया, अगर 2 अगर कॉमन निकल गया तो 2 प्लस रूट थ्री या नीचे में माइनस टू से 2 कट जाएगा, माइनस साइन को ऊपर भेज दीजिए, माइनस 2 प्लस कितना रूट थ्री, ये बन गया था आप लोगों से। अच्छा माइनस 2 प्लस रूट थ्री का मतलब माइनस 2 माइनस रूट थ्री होगा, तो ये वाला ऑप्शन सही है, आ गया था आप लोगों का। चलिए ठीक है, आई क्या कह रहा है टेन 405 डिग्री बोल रहा है, क्या है क्या कर रहा है क्या कर रहा है, हैं गजब आदमी है तुम। टेन 405 डिग्री, ई क्या करे भाई 405 डिग्री बोल रहा है, क्वाड्रेंट कौन सा ही बता पहले। क्वाड्रेंट कौन सा है 405 डिग्री, तो सुन लो एक मिनट, 0 90 180 270 360 और इका कहाँ जाता है 450 जाता है, तो 405 कहाँ आएगा 300 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट घिरा होता है 360 और 405 के ना बीच में। हाँ अब यहाँ पर हम 0 और 90 थोड़े बोलेंगे, 0 और 90 के बीच में थोड़े, तो मिला जुला के देखा जाए तो हम इसको तोड़ सकते हैं या तो 360 में ना तो 450 में। 360 में तोड़िए आप इसको, टेन 360 प्लस कितना, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट है सब लोग पॉजिटिव होता है और 360 इस वाले लाइन पे आ गया, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, टेन टेन ही रहेगा 45 डिग्री, मतलब आंसर कितना प्लस वन, क्योंकि यू नो कि टेन 45 डिग्री होता है कितना वन, पता है ना सबको, पता है ना। चलो ठीक है बढ़िया है। कॉट 15 डिग्री, कॉट क्या, तो एक काम करो ना, कॉट का काहे के लिए पहले तुम टेन 15 डिग्री निकालो, पलट देना कॉट 15 डिग्री हो जाएगा। तो बताओ बाबू टेन 15 डिग्री को क्या हम टेन बोलो 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, अच्छा है 45 माइनस 30 भी लिख सकते थे, लेकिन मैं जानता हूँ कि टेन 60 रूट थ्री होता है और टेन 30 वन बाय रूट थ्री, वन बाय रूट थ्री वाला कैलकुलेशन थोड़ा मैंने लेंदी आएगा, इसीलिए मैंने 60 माइनस 45 चूज किया। अब ये फॉर्मूला हो गया किसका है, टेन ए माइनस बी का, तो ये हो जाएगा टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस, हाँ सॉरी प्लस ना होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आता है लेकिन नीचे में क्या आएगा तो प्लस आएगा, वेरी गुड, 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। चलिए रूट थ्री माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कितना, टेन 60 तो खैर रूट थ्री ही होगा लेकिन टेन 45 डिग्री तो 1, तो 1 लिखने की जरूरत
नहीं है, मिला जुला के ये है आपका रूट थ्री माइनस वन डिवाइडेड बाई रूट थ्री प्लस वन है। तो एक काम करो ना, तुम काम ये करो कि अब ये तुम इसको कॉट 15 डिग्री बना लो, पलट लो उसको। नहीं समझे रे, ये तो टेन 15 डिग्री ना आया है, हमको कॉट 15 डिग्री ना चाहिए। पलट लीजिए, रैशनलाइज करने से पहले बढ़िया है कि क्या करिए, पलट लीजिए, तब जाके आसानी से आंसर आएगा। रूट थ्री प्लस वन डिवाइडेड बाई रूट थ्री। अच्छा एक बात बताना यार, पता नहीं हमको कहाँ लग रहा है, पिछली बार भी हमने यही निकाला था क्या? देखिए ना, रूट थ्री गड़बड़ हो गया, कहाँ से निकाला था? रूट थ्री माइनस वन है, और वो था वन माइनस रूट थ्री था। आंसर शक्ल से वही होगा, बस प्लस माइनस का थोड़ा डिफरेंस आएगा, लेकिन कोई बात नहीं है। बताइए हम मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करेंगे? करेंगे ऊपर रूट थ्री प्लस वन का होल स्क्वायर है, तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, बोलो बाबू। और नीचे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब हुआ है रूट थ्री का स्क्वायर, तो थ्री हो जाएगा और माइनस वन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा चार प्लस टू रूट थ्री डिवाइडेड बाई कितना, टू को कॉमन ले लेंगे तो टू प्लस रूट थ्री डिवाइडेड बाई टू से टू कैंसिल, टू प्लस रूट थ्री आंसर में है, तो ये हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, कहता है साइन हेलो हाँ सुनो, ये आप लोगों से हुआ है, ये कितने लोगों से हुआ है, ये तुम लोगों का हाल है, एक आदमी से कह रहा है साइन ए इंटू साइन ए प्लस बी। बोलो, देखो बाबू, क्वेश्चन को करने का तरीका ये होता है ना कि कुछ ना समझ में आए तो वो करो जो समझ में आ रहा है। अभी इतना तो समझ में आ रहा ना कि कुछ नहीं हो रहा है, तो क्वेश्चन वह उतार दे कम से कम, उतार दो। लो लिखो साइन ए इंटू साइन ए प्लस बी, पता है इतना ही लिख दोगे ना, अगर पांच नंबर का क्वेश्चन रहेगा खाली क्वेश्चन में उतार दोगे ना, तो टीचर को लगता है कि मेहनत तो किया है, सियाही तो बेचारे का खर्च हुआ है ना, हो सकता है कहीं एक आध नंबर दे दे, एक नंबर आधा नंबर जोड़ जाड़ के कहीं पास कर जाओ। अब हम क्या कर सकते हैं, तू भी बताओ ना, इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि हम साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिख सकते हैं, बोलना रे। हाँ तो ठीक है, तो साइन ए को ऐसा ही छाप दो और इसकी जगह पे लिखो साइन ए इंटू कॉस बी या प्लस कॉस ए इंटू, अब तुम ही बताना अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, हो गया उतना कर दिया, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं, इसको अंदर भेज सकते हैं, अंदर भेजेंगे तो ये बन जाएगा कितना, साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए, लेकिन इंटू कॉस भी तो है, चलो ठीक है, अब ये इससे भी तो मल्टीप्लाइड होगा, तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए इंटू साइन बी। अब हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो ऑप्शन में चेक करते हैं, ऑप्शन में चेक करते हैं साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस बी किसमें है, साइन स्क्वायर इंटू कॉस बी, देखो इसमें है, इसमें है, आई इसमें भी है, आई इसमें, लेकिन नहीं ना है, तो इतना तो कन्फर्म हो गया कि ये और ये नहीं होगा, तो 50-50 पे तो कम से कम आ गए ना, और बाबू 50-50 तो कौन बनेगा करोड़पति का एक लाइफ लाइन है, 50-50 को आप मामूली चीज समझते हैं क्या, 10 क्वेश्चन में तुमने मान लो 50-50 ला लिया है, 10 क्वेश्चन में, बोलो ना, तब फिर तब मार दो तुक्का, या तो ये मार दो नहीं तो ये मार दो, ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या कहता है, कितना सही कितना गलत, आप समझे नहीं, 10 क्वेश्चन 50-50, ठीक है, हमने टिक लगा दिया, प्रोबेबिलिटी क्या कहता है, कितना सही होगा कितना गलत होगा, 5 को सही होगा 5 को गलत होगा, 5 को सही होगा तो हर स्टैंडर्ड एग्जाम जेई मेन हो चाहे नीट हो, एक सही पे देता है 4 नंबर, 5 का कितना नंबर मिला, 20 नंबर, और एक गलत पे कटता है 1 नंबर, तो 5 सही तो 20 नंबर मिला और 5 गलत तो 5 नंबर, ओवरऑल आपका कितना आया,
15 नंबर आया ना, 15 नंबर में रैंक बहुत लाख आगे पीछे हो जाता है। 15 नंबर कोई मामूली नंबर नहीं है, आप समझ रहे हैं। तो 50-50 भी ला लेना बहुत बड़ी बात होती है। तो लेकिन कोई बात नहीं, हमको 50-50 से काम थोड़े चलेगा, बोलिए ना हमको क्या चाहिए। 7 करोड़ चाहिए, वही चाल पर 7 करोड़ मिलेगा। ये चाल पर तो 7 फेरा तुम लोगों का होगा ही नहीं। मेरे कहने का मतलब है जिंदगी में पढ़ लिख के कुछ करोगे, खैर छोड़ो हटाओ, मजाक की बात नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर अगर मान लो कि यहाँ तक आके हम रुक जाते हैं तो हम क्या सोच सकते हैं। हम सोच सकते हैं कि यार इधर हाफ है, इधर साइन टू है हमको दिखा ना जी, और इधर हमको क्या दिख रहा है। तब आप याद करिए एक फॉर्मूला हुआ करता था साइन टू ए का, साइन टू ए का एक फॉर्मूला हुआ करता था 2 sin A इंटू कॉस ए। अरे कुछ फॉर्मूला पढ़ा था रे, 17-18 फॉर्मूला, जो मैंने कहा था कि आने वाले 2 सालों में कहीं कहीं तुमको मिलता रहेगा, सही है। हाँ तो उसमें एक फॉर्मूला ऐसा था क्या साइन टू ए। अब मैंने जब इसको ध्यान से देखा तो मुझको दिखा कि साइन ए इंटू कॉस ए है, लेकिन क्या नहीं है। ओहो 2 नहीं, तो काम करो ना यार, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। अरे जो घट रहा होता है उसको, हाँ उसको लिख के और फिर उसके एंटीस को भी साथ में अप्लाई कर देंगे, रहते रहेगी। अरे 2 होता तो ये 2 sin A इंटू कॉस ए साइन 2 ए बन जाता है, दे देंगे तो क्या दिक्कत है। लेकिन अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमको डिवाइड भी तो करना होगा। अरे बोलिए ना, चलिए अच्छा है। तो कहने का मतलब है कि अब हमको समझ में आ गया कि इस पूरे की जगह पर हम क्या लिखने जा रहे हैं, साइन 2 ए लिखने जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस बी प्लस, लेकिन 1/2 तो बचा रहेगा ना। अरे ये 2 ना इनके साथ मिल के साइन 2 ए बन जा रहा है, 1/2 रहेगा और ये रहेगा साइन 2 ए इंटू साइन बी। अब देख के बताइए कोई ऑप्शन जो मैच कर रहा है। तो ये इतना बड़ा चीज नहीं है कि आपसे एकदम बहुत मेहनत करते फिर भी नहीं होता। आप लोग डायरेक्ट ये क्यों सोचते हैं कि, अब जैसे मान लीजिए कि आपको कहीं एग्जाम देने जाना है, मान लीजिए जयपुर में आपका सेंटर पड़ गया है, जयपुर में सेंटर पड़ गया, आंख बंद करते हो तो तुमको यहाँ से जयपुर के आपके सेंटर का रास्ता दिखने लगा क्या, दिखने लगा नहीं देखा। लेकिन आपको यहाँ से मान लीजिए जाना है, कहाँ जाना है बताइए, मान लीजिए दुर्गा मंदिर जाना है, आप आंख बंद करिएगा आपको यहाँ से दुर्गा मंदिर का रास्ता दिखने लगा। तो कुछ रास्ते हैं जो दिख जाते हैं, मंजिल तक का रास्ता आपको दिख जाएगा, कुछ रास्ते नहीं दिखते हैं। तो क्या जो रास्ते नहीं दिखते हैं क्या हम उन रास्तों पे चलते ही नहीं है, आंख बंद किए पता ही नहीं चला जयपुर किधर है, छोड़ देंगे हम एग्जाम नहीं देंगे। बोलो, मान लो तुम्हारा बिहार ठीक होता है, मुजफ्फरपुर में कहीं कोई कॉलोनी का नाम बताओगे कोई मुजफ्फरपुर से होता होगा तो, कुछ भी फलाना कॉलोनी, मुजफ्फरपुर के फलाने कॉलोनी में तुम्हारा बिहार ठीक हो गया, आंख बंद किए वो कॉलोनी तुमको दिखे नहीं रहा है कहाँ है, तो छोड़ दोगे बारात लेके नहीं जाओगे। ऐसे मत करिए, आपको अगर जयपुर जाना है, अरे भाई तो पहले आप जाके टिकट कटा के रेलवे स्टेशन तक तो जाइए, रेलवे स्टेशन तक का रास्ता तो आपको पता है ना, आप वहां तक जाइए, फिर वहां जाइएगा तो सामने ट्रेन आएगा, आपको पता है कि अब अगला स्टेप क्या करना है, ट्रेन में चढ़ना है, फिर ट्रेन जयपुर स्टेशन पर छोड़ेगा, फिर अगला स्टेप है कि आपको किसी से पूछना है। तो एक स्टेप आप बढ़ाइएगा, अगला स्टेप आपको खुद ही दिख जाएगा। आप लोगों को लगता है कि ये देख कर डायरेक्ट कैसे आएगा पता ही नहीं चल रहा है, अरे भाई तो जो तुमको आता है वो करो, तुम यहां से ज्यादा ज्यादा कहां जा सकते हो, स्टेशन जा सकते हो वहां तक जाओ, फिर आगे ट्रेन आके खड़ा होगा, बस चढ़ना रह जाएगा। तो देखिए हम लोग स्टेशन तक गए तो हमको पता चला कि इसका फॉर्मूला ये होता है, बोलिए उसका अंदर भेजे, फिर ऑप्शन चेक किए, ठीक है कोई इतना भी खास नहीं था। कह रहा है फाइंड BC, देख लो ये सब होशियारी में तो ये सब एकदम माहिर है। कह रहा है फाइंड CB, हाँ CB फाइंड करो। तो हमने आपको याद होगा 2 रूल्स पढ़ी थी, साइन रूल एंड क्या कोसाइन रूल। तो हमको लग रहा है कि अगर हमको ये CB फाइंड आउट करना है ना, और 2 एंगल दिया हुआ है, तो हमको लग रहा है कि यूज करना पड़ेगा कौन सा रूल, साइन रूल यूज करना पड़ेगा। बोलो बाबू, साइन रूल कहता है
कि साइन ऑफ एनी एंगल, तो पहले हम लोग किसका एंगल, कौन सा एंगल ले लेते हैं, 45 डिग्री, साइन ऑफ 45 डिग्री डिवाइडेड बाई उस एंगल के सामने वाला साइन, 5 मीटर, क्लियर है, नहीं बोल रहे हो, 5 मीटर क्लियर है, चलो ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, साइन 30 डिग्री और डिवाइडेड बाई, ऐसा बी सी हो जाएगा, साइन 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2 × 5 मीटर, और साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2 ना होता है, इंटू बी सी हो जाएगा, बाबू इस बी सी को इधर भेजिए और इसको उधर भेजिए, तो बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा 5√2 / कितना, 2, इतना 5√2 इधर जाएगा और 2 पहले से नीचे है, तो ये आंसर हो जाएगा, हालांकि देखो प्रॉपर आंसर तो यही होना चाहिए, लेकिन अब इसमें क्या किया गया है कि शायद √2 से 2 को काट के √2, इतना तो समझ में आता है ना, तो आंसर दिया हुआ है 5/√2, लेकिन ये एक्चुअली गलत रिप्रेजेंटेशन है किसी भी नंबर को लिखने का, नीचे में हम रूट नहीं लिखते, तो ज़्यादा सही वही था 5√2/2 या 2.5 × √2 भी लिख सकता था, तो खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे तो 5/, यहाँ चेक ये किया गया है बस कि आपको √2/2 दिया रहे तो काटने आता है कि नहीं, तो काटने आता है ना, तो ये हो जाएगा 1/ कितना, √2, हाँ ठीक है, तो ये तो खैर 5/√2 ना होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। 15, फिर से कह रहा है कि बी सी को फाइंड आउट करो, बोलो कौन सा रूल लगेगा, क्योंकि यहाँ दो साइड और एक ही एंगल ना दिया है, एक ही एंगल के लिए कौन सा, हाँ कोसाइन वाला यूज करते थे, जिसमें एंगल के सामने वाले साइड का स्क्वायर, यानी बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, याद है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, तो ए स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, 3 का स्क्वायर डायरेक्ट 9 लिखूं, प्लस बी का स्क्वायर कितना हो गया, माइनस 2ab, मैंने ये इंटू लिखा हुआ है, और cos कितना, 60 डिग्री, cos 60 डिग्री 1/2 होता है, जा हाँ तो अब बताओ ये 25 हो गया माइनस 24 हो गया, काहे नहीं बोल रहे हो, और cos 60 डिग्री कितना होता है, 1/2 से ये 12 हो गया, मिला जुला के 25 में से 12 गया कितना, 13, तो ये बी सी का स्क्वायर, ये जब उधर जाके रूट बनेगा, एक मिनट, जब स्क्वायर उधर जाके रूट बनता है सामने में आता है प्लस माइनस, लेकिन हम लोग लेंथ निकाल रहे हैं और लेंथ कभी नेगेटिव, तो इसीलिए आप प्लस माइनस नहीं भी दीजिएगा तो बच जाइएगा, आप समझ रहे हैं, एंड योर फाइनल आंसर इज कितना, √13 मीटर। कोई ऑप्शन है ऐसा, शायद आपको जो पेपर मिला होगा उसमें यहाँ 30 डिग्री था, लेकिन लगा कि 30 डिग्री हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, √3/2 ना हो जाएगा, कैलकुलेशन गंदा सा आएगा, तो इसीलिए मैंने इसको 60 डिग्री कर दिया, सही है, और आंसर में मैंने बता भी दिया है कि करेक्शन में 30 की जगह पे 60 होगा, ठीक है, चलिए ये हो गया आपसे, बोलो, कह रहा है कि द लाइन √3y इज इक्वल टू x माइनस √3 max एन एंगल डैश विथ x एक्सिस, सबसे पहले बताओ कि ये जो ये बोल रहा है द लाइन, और उसके बाद वो इक्वेशन दिया हुआ है, इसका मतलब समझ में आ रहा है, ये कौन सा इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि x का पावर 1 है, y का पावर भी, और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही ना बनता है, तो जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे